हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबिक डिज़र्ट बासबूसा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। बासबूसा बनाने के लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट लिए हैं। एक कटोरी मैंने सूजी ली है, एक कटोरी पाउडर शुगर लिया है और आधा कटोरी मैंने पाउडर कोकोनट लिया है और आधा कटोरी मैंने देसी घी लिया है। आप ऑयल या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 कप दूध है, 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। सूजी को ऐड कर देंगे सबसे पहले। ये मैंने भुनी हुई सूजी नहीं ली है, बगैर भुनी हुई सूजी है ये। अब इसमें पाउडर शुगर को डाल देंगे। जो आधा कटोरी हमने कोकोनट पाउडर लिया था उसे भी डाल देंगे और बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें आधा कटोरी में घी ऐड कर दूंगी। वन टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इनको मिक्स कर लेना है हमें। घी और वनीला एसेंस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 1 कप दूध डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से स्मूथ बैटर बना लेना है हमें। एक तरह से आप इसे सूजी का केक भी कह सकते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये मैंने केक टिंग ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें हम हमारे बैटर को डाल देंगे। इसको चारों किनारों पर अच्छी तरह से हमें फैला देना है। इसको टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसमें कट लगा लूँगी। आपको जितने बड़े पीस चाहिए आप उस हिसाब से कट लगा लीजिए। तो ये कट मैंने लगा लिया है इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हो।
ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने आधे हिस्सों में कट कर लिया था, एक बादाम के दो हिस्से कर लिए हैं। इनको हम रख देंगे इसके ऊपर। हल्के हाथों से बादाम को प्रेस करना है ताकि ये चिपक जाए इस पर। हम इसको अवन में बनाने वाले हैं। अवन को मैंने 180 टेम्परेचर पे प्रीहीट कर लिया था। अब 180 टेम्परेचर पे हम इसको 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये देखिए अवन में मैंने इसको रख दिया है, 40 मिनट्स इसको बेक होने देंगे। जब तक हमारा बासबूसा बेक हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। आधी कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है, आधी कटोरी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर को मेल्ट कर लेना है। 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसको पका लेना है। आप चाहे तो इस वक्त रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए चाशनी, बस हमें इतनी ही चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें इसको। 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है। इसको ठंडा होने देंगे हम। तो ये देखिए बासबूसा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसकी किनारों पर नाइफ चला लेंगे। आप चाहे तो एज़ इट इज़ भी इसके ऊपर चाशनी पोर करके सर्व कर सकते हो, बट मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। टैप टैप कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही इजीली हमारा बासबूसा निकल चुका है। अब हमने जो मार्क किया था नाइफ से उसी मार्क पर कट कर लेना है हमें इसको। तो ये देखिए कट कर लिया है हमने। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा होता है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब जो हमने चाशनी बनाकर रखी थी वो हमें इस पर पोर कर देना है। पूरी चाशनी हम इस पर पोर कर देंगे। कितना अच्छा लुक आया है, हमारा डिज़र्ट बनकर बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। बिल्कुल परफेक्ट हमारा अरबिक डिज़र्ट बासबूसा बनकर रेडी है।